साथ ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तभी वहाँ भगवान शिव प्रकट होते हैं। सब उन्हें प्रणाम करते हैं। कल्याण हो देवश्री नारद। आज आपको मन कैलाश पर कैसे हुआ? नारायण नारायण प्रभु आपके दर्शन के लिए। कल्याण हो तो बताने के लिए कि सभी देवगण आपके पुत्रों के विवाह के आमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवश्री नारद ठीक कहे प्रभु। अब हमारे पुत्र बड़े हो गए हैं, अब हमें इनका विवाह कर देना चाहिए। देवी पार्वती आपका भी कहता उत्तम है, परंतु पहले किसका विवाह रचना पसंद करोगी? प्रभु क्यों ना हम अपने पुत्रों के ज्ञान और सामर्थ्य की परीक्षा ले, जो खुद को ज्यादा सिद्ध करेगा उसका विवाह पहले करेंगे। देवी पार्वती पुत्र गणेश पुत्र कांति प्रणाम पिताजी। तुम दोनों हमारे लिए एक समान हो, परंतु हम ये जानना चाहते हैं कि तुम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है और ये तुम दोनों को ही निश्चित करना है। तो ऐसा करते हैं, तुम दोनों पितरी की परिक्रमा करके आओ। जो पितरी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसका विवाह पहले करेंगे। जैसे आप क्या कल्याण हो भाई गणेश, चलो हमें परिक्रमा शुरू करते। जी भैया कार्तिक। गणेश जी अपने वाहन मूषक को तैयार कर रहे हैं। प्रणाम प्रभु। कहकर कार्तिक अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़ते हैं। परिक्रमा कर ली है, आप दोनों ही मेरे संतान।
हैं। आपका नाम धन्य है देवी नारायण नारायण। गणेश आप और आपके जन पूजनीय हैं। पूरे संसार में माता पिता की श्रेष्ठता के लिए आपका उदाहरण रखा जाएगा। आप बुद्धि अत्ता के नाम से पहचाने जाओगे। नारायण नारायण। बहुत अच्छी बात कही आपने। हर सिद्धि को प्राप्त करने वाले सिद्धि विनायक की जय हो। जय हो।